गाजीपुर के सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने अपहरण किए गए एक 4 साल के बच्चे को सकुशल बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने 7 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 16 जनवरी को 4 साल के बालक अब्दुस रहमान को गांव के ही 3 लोग चॉकलेट के बहाने अपनी साइकिल पर बिठाकर ले गए थे। इसके बाद अपहरणकर्ता बच्चे को वाराणसी से होते हुए सैयद राजा चंदौली तक गए। 2 दिन बाद अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 40 लाख की फिरौती की मांग की, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को चकमा देते हुए नोटों की गड्डी की तरह कागज की गड्डी बनाकर अपराधियों को पैसा देने वाले स्थान पर बुलाया, लेकिन उससे पहले बच्चे के सकुशल बरामदगी की शर्त रखी, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने एक व्यक्ति के साथ बच्चे को जमानिया सैयद राजा के बॉर्डर पर भेजा। बच्चे की सकुशल बरामदगी हो जाने पर पुलिस ने व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने इस अपहरण की घटना में शामिल अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। आप लोग अवगत हैं कि 16 जनवरी को मिर्चा गांव से एक 4 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया था, जिसका अभियोग थाना दिलदार नगर में पंजीकृत किया गया था। दोपहर में बच्चा जब अपने घर के बाहर खेल रहा था, वहीं से इसका अपहरण कर लिया गया था। प्रारंभ में तो एक नॉर्मल केस लग रहा था कि हो सकता बच्चा कहीं कोई फुसला बहला करके किसी दूसरे उद्देश्य से ले गया हो, या बच्चा कहीं भटक गया हो, लेकिन 3 दिन के बाद इसमें फिरौती की कॉल आने लगी। फिरौती की कॉल आने पे हमारी स्वाट टीम और थाना दिलदार नगर की टीम परिजनों के साथ उसमें लगी और उस पर काम करना शुरू किया। वहीं मासूम की सकुशल बरामदगी के बाद बच्चे की मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और वो अपने बच्चे को दुलारते हुए दिखाई दी। बच्चे की मां ने गाजीपुर पुलिस को धन्यवाद दिया। जो पुलिस ने किया बहुत अच्छे किया, मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दी, उनको बहुत शुक्रिया अदा करना है। मेरे बच्चा एक ही बच्चा है, हमारा दुश्मन कोई नहीं था, ना मुसलमान ना हिंदू, कोई दुश्मन नहीं। मेरा हस्बैंड लोग कोई से झगड़ा करना नहीं, लड़ाई करना कुछ भी नहीं। जो ये जो 3 लोग गांव वाले थे, क्या उनसे कोई पुरानी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसे के लालच, सिर्फ पैसे के लिए। ऐसे में मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं। वही पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध असलहा, 2 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल बरामद किए हैं। इनकी गिरफ्तारी पर ADG वाराणसी जोन की तरफ से इस घटना के खुलासे में शामिल पुलिस टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।